इंस्टाटॉज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंस्टाटॉज 084 पे। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, अगर हमारे दिल में है कि हम ये करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करना होगा, डिटर्मिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये मतलब कि एक तरह से पागलपन होना चाहिए, एक तरह से हमारे में वो जुनून होना चाहिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर उसने किया है तो हम उससे बेहतर कर सकते हैं, और खुदा ने हर किसी को कैपेसिटी दी है, हर किसी को सेम बनाया है, उसने अपने स्वरूप में बनाया है और कहा है कि अगर आप लोग पूरी मेहनत और लगन से करोगे। लोग कहते हैं कि हाँ, कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ भी पाने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। अगर आप कुछ करेंगे तभी कुछ पाएंगे। एक समय की बात है कि 1903, ये एक रियल स्टोरी है कि एंड्रयू, जो कि ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे, उनका कहना था कि 4 मिनट में एक माइल तक जो है वो दौड़ एक इंसान 4 मिनट में लगा सकता है, इससे कम में कोई लगा ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान जो है वो 4 मिनट, 1 माइल जो है वो 4 मिनट से कम में करे। तो तभी 1954 में एक इंसान आए जिनको कि रॉजर ब्रेस्टर कहते हैं, उन्होंने वो 1954 में ये करके दिखाया, 1954 में ये करके दिखाया कि उन्होंने जो अपनी रेस है वो कंप्लीट की 3:59.3 सेकंड में कंप्लीट की। तो जब वो रेस कंप्लीट की तो उसका अखबारों में नाम आ गया और बहुत बहुत सब लोग हैरान हुए कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने करके दिखाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने कर लिया है तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर आप लोगों में जुनून है, या ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हाँ, कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पहले भी स्टोरी सुनाई थी कि हाँ, उसने शर्ट बेची और शर्ट बेच के आज वो बहुत ही अच्छे और मतलब कि एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत ही सम्मान हासिल किया है। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम आपको मैं पहले भी अपनी पुरानी वाली वीडियो में बता चुके हूँ। तो क्या किया रॉजर ब्रेस्टर ने, 3:59.3 में उस रेस को पूरा किया। लेकिन तब भी उससे भी एक और बंदा आया, यानी कि एक और इंसान जो कि कह रहा था कि मैंने रॉजर ब्रेस्टर के जो हैं उनके रिकॉर्ड को तोड़ना है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं एंड्रयू ब्रिटिश जी ने जो भी बोला था, ब्रिटिश कोच जो थे उन्होंने बोला था, वो उन्होंने रॉजर को की तरफ देखा और कहा कि नहीं, इस रेस को जो इन्होंने 3:59.3 में किया, कंप्लीट किया है, मैं इसे इससे भी कम में करूँगा। तो वो एक स्कूल का लड़का था, उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि मैं रॉजर के जो रिकॉर्ड हैं उनको कैसे ब्रेक करूँ। तो उन्होंने 1964 का एक स्कूल बॉय था जो कि उस रिकॉर्ड को उसने तोड़ा, और उस रिकॉर्ड को उसने 3:59 सेकेंड में, मतलब 3:59 सेकेंड में कंप्लीट किया, यानी कि उन्होंने रॉजर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके दिमाग में धुन सवार होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। पागलपन कहने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ पागलपन होना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि एक और स्टोरी सुनाते हूँ कि मिस्टर वॉल्ट डिस्ने लैंड के जो कि संस्थापक हैं, वो एक दिन क्या कर रहे थे, एक दिन चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते वो एक टेबल पे उन्होंने चाय रखी हुई थी, और वो उसका एक सिप लेके उन्होंने रख दिया नीचे, मतलब कि टेबल पे रख दिया। और जब वो टेबल से चाय पीने के लिए दोबारा लेने लगे तो उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है वो टेबल के ऊपर, मतलब कि उसका कपड़ा पकड़ कर टेबल के ऊपर चढ़ा, वो कप में से एक सिप, उसने कप के ऊपर चढ़ा, कप से एक सिप लिया और वो दोबारा वापस चला गया। और तब जो है डिस्ने जो है वॉल्ट डिस्ने हैं वो उसको चीज़ को देख रहे थे, तो वो वेट करते रहे कि क्या ये दोबारा चूहा आएगा। जब वो दोबारा चूहा आया तो 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए, तो वो दोबारा आया और आके उसने उस चूहे ने दोबारा से कपड़ा पकड़ा और फिर टेबल पे आया। टेबल के आने के बाद वो फिर दोबारा से उस
कप के प्याले में से उसने एक चाय पी के फिर वो वापस गया और फिर चला गया, और तब फिर जो है मिस्टर डिस्ने हैं, वॉल्ट डिस्ने हैं, वो उस चीज़ की वेट करते रहे। जब वो वेट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो दोबारा आधे घंटे बाद फिर चूहा आया है, फिर आकर उस कप में मतलब कि टेबल के क्लोथ के थ्रू वो चढ़ा, और चढ़ने के बाद फिर उस कप में से उसने सिप लिया और वो चला गया। इस तरह से वो देखते रहे कि ये चूहा जो 5-6 बार आया और 5-6 बार गया, और उसने चाय में से सिप लेना शुरू किया। तो तभी ये सब देख के जो वॉल्ट डिस्ने हैं उनके दिमाग में एक विचार आया कि ये जो छोटा सा चूहा है इसने अगर मुझे इतना एंटरटेन किया है, मतलब कि आधे पौने घंटे में 2 घंटों में इसने मुझे एंटरटेन किया है, इसने मेरा मनोरंजन किया है, तो क्यों ये जो है चूहा जो है ये लोगों का मनोरंजन क्यों कैसे नहीं कर सकता। तो उसके दिमाग में विचार आया डिस्नेलैंड का, तो तभी ये जो है पिक्चर्स भी बनी और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो डिस्नेलैंड के ऊपर बनी हैं, वो आप सब जानते ही हैं। तो इसलिए अगर कहीं ना कहीं तो से तो शुरुआत करनी होती है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि ये सुन के आए होते हैं कि हाँ कि ये वाली जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही सुना है, यही देखा है, यही समझा है कि हाँ कि इसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटी जो है वो चाहे थोड़ी सी है, चाहे ज़्यादा है या थोड़ी सी है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी को उन्होंने देखा, देख के विश्वास करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है, वो बार बार डिप्रेस हो जाते हैं, बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब लॉन्ग पीरियड में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज चलता है जिसके कारण कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक यही बात कहूँगी कि हाँ हार नहीं माननी है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर एक चीज़ जो है वो पॉसिबल इंसान ही कर सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इंसान को खुदा ने अपने स्वरूप बनाया है। अपने स्वरूप बनाने का मतलब है कि जो खुदा में कर सकता है वही सारी पॉसिबिलिटी, वही सारी क्षमताएं, वही सारी पावर्स खुदा ने इंसान को दी है। लेकिन उस इंसान को क्या करना है, करना ये है कि वो उन सब पावर का सही इस्तेमाल करेगा तो वो हो जाएंगी। इसलिए हमें अपने मन में ये नहीं सोचना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे में काबिलियत नहीं है, हमारे में ये नहीं है। खुदा ने सब कुछ तुम्हारे अंदर डाला हुआ है, उसको पहचानो, पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं, तभी वो सब चीज़ें कर सकते हो। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं याद है, कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं उन्हें कि हाँ आपको तो कैंसर है और जिसके कारण कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो जाते हैं, जाकर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जाकर वो रेगुलर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, और वो रूटीन जो है अपनी रूटीन जो है उसको चेंज कर लेते हैं, खाना पीना चेंज कर लेते हैं, तो वो जो है वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेंज आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं उन वो हमारे शरीर के बाकी अंगों के ऊपर बहुत काम करते हैं। हमारे शरीर में जो न्यूरॉन है अगर पॉजिटिविटी लाते हैं और एक ही चीज़ के ऊपर अगर हम सोचते रहते हैं, क्या होता है कि हम एक ही चीज़ के ऊपर मान लीजिए जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो लोग कोरोना के बारे में सोच सोच के एक दूसरे इधर से न्यूज़ सुनी, ऐसा हो गया कोरोना से, ऐसा हो गया। अगर कोई एक अगर 10 बंदों को कोरोना हुआ है या कुछ भी है ऐसे साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, तो उसमें से आप हमेशा गलत चीज़ को ही क्यों देखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। वो जो ठीक हुए हैं उनके बारे में भी तो सोचो कि हाँ वो ठीक हुए हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक नहीं हुए हैं तो आप भी ठीक ना हो या आपको भी कोरोना हो जाए। इसलिए आप हमेशा हमारा फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी नेगेटिविटी को सोचते रहते हैं, पॉजिटिविटी को भूल जाते हैं। अगर हमारे जीवन में अच्छा आया हो, अच्छा कुछ हुआ हो, तो हम अच्छी चीज़ों को एक बार ही याद करते हैं, लेकिन बुरी चीज़ों को 10 बार याद करते हैं। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा कर लिया तो हम उसने चाहे 100 बार हमारे साथ अच्छा किया हो, लेकिन हम उसकी बुरी चीज़ को ही याद करते हैं। इसलिए हमें लास्ट एक मुझे मैसेज आया था कि हाँ कि आप खुदा ने आपके साथ क्या क्या अच्छे काम किए हैं उनके बारे में सोचना शुरू करो, उसके लिए धन्यवाद करते रहो। तो मैंने मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुदा ने मुझे दिया हुआ है और खुदा ने मेरे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि खुदा मुझे ये सब चीज़ें दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू जीसस कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ और दूसरों के काम आ सकूँ। तो इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं को देखो कि आपने क्या, या ये मत सोचो, मेरी कल एक पेशेंट से बात हो रही थी मेरे,
तो वो कह रहा था कि मैं पहले मैम ये कर लेता था, पहले मैं एक सिंगर था, पहले मैं ये कर लेता था, पहले मैं वो कर लेता था। और एक और है पेशेंट, उनके साथ ये बात हुई कि हाँ पहले तो मुझे मतलब कि इतने इतने महीने पहले मुझे कुछ नहीं था, अब ये हो गया है, वो हो गया है, मैं वीक फील कर रही हूँ, मुझे कुछ ये सब चीज़ें जो हैं वो मुझे परेशान करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन आप ये मत सोचो कि जो पहले है उसको हम वापस नहीं ला सकते। हम अपने जीवन, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि जो हम प्रेजेंट है उसको कैसे हम अच्छा बनाएं। जो पीछे बीत गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, और जो आने वाला है उसको हम जल्दी नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारा प्रेजेंट है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए, आप पिछली बातों को याद मत कीजिए। अगर प्रेजेंट आपका दुख भरा है तो कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि हाँ इसको मैंने कैसे पार करना है, क्योंकि अपने जीवन को हम अच्छा हम खुद बना सकते हैं। हम अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान तब बना सकते हैं अगर हम उन सब चीज़ों के लिए सोचें। तो इसलिए आप दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सिर्फ अच्छे मन से और सच्चे मन से और पूरी अपनी एबिलिटी जितनी है वो लगा दो तो आप सक्सेस हासिल करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।